पहलवानों और पुलिस के बीच हुआ दंगल, तो बीजेपी पर भड़क गए सीएम अरविंद केजरीवाल। घटना को बता दिया दुखद और शर्मनाक। दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पिछले कई दिनों से पहलवानों का प्रदर्शन चल रहा है। इस दौरान कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक का समर्थन भी इन्हें मिल चुका है, बल्कि प्रियंका गांधी से लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी पहलवानों को समर्थन देने के लिए खुद धरना स्थल पर जा भी चुके हैं। लेकिन बुधवार की रात अचानक कुछ ऐसा हो गया जिसकी किसी ने भी कल्पना बिल्कुल भी नहीं की थी। दरअसल धरने पर बैठे पहलवानों और दिल्ली पुलिस के बीच झड़प हो गई और मौके पर अफरा तफरी मच गई। धरने पर बैठी महिला पहलवानों ने तो दिल्ली पुलिस पर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगा डाले, जिसके बाद अब इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बल्कि इस मामले को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर न सिर्फ आरोप लगाए बल्कि इसे दुखद और शर्मनाक बता डाला। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, देश के चैंपियन खिलाड़ियों के साथ इतना गलत बर्ताव, ये बेहद दुखद और शर्मनाक है। घमंड में पूरी भाजपा का दिमाग खराब हो चुका है। ये लोग सिर्फ गुंडागर्दी से सारा सिस्टम हाँकना चाहते हैं। पूरे सिस्टम का मजाक बनाकर रख दिया है इन्होंने। देश के सभी लोगों से मेरी अपील, अब बस, अब और नहीं, बीजेपी की गुंडागर्दी बर्दाश्त मत करो। बीजेपी को उखाड़ने के साथ अब इन्हें भगाने का वक्त भी आ गया है। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं, आखिर दिल्ली के जंतर मंतर पर ऐसा क्या हो गया कि इतना हंगामा खड़ा हो गया। दरअसल जंतर मंतर पर जारी पहलवानों के धरने में 3 और 4 मई की आधी रात को अचानक हंगामा हो गया था। धरने पर बैठे पहलवानों की ओर से दावा किया गया था कि पुलिस वालों ने मारपीट की शुरुआत की थी। पहलवान विनेश फोगाट ने दावा किया कि एक पुलिस वाले ने शराब के नशे में उनके भाई से बदतमीजी की थी, बल्कि उन्हें और उनकी बहन संगीता फोगाट को भी धक्का दिया गया था। इस दौरान दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भी मौके पर पहुंची थी, जिसे लेकर उन्होंने भी दावा किया था कि पुलिस ने उनके साथ भी बदसलूकी की। हालांकि दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने इस मामले पर बयान जारी कर बताया कि लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए स्वाति मालीवाल को वहां से ले जाया गया था और बाद में उन्हें छोड़ भी दिया गया था। इसके उपरांत लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो रहा था, कुछ लोग प्रोटेस्ट के उद्देश्य से आए थे जिसमें स्वाति मालीवाल जी भी थी, तो उस संदर्भ में उनको बैरिकेड से अंदर आने से रोका गया था और उनको डिटेन करके सिविल लाइन्स थाने में ले जाया गया था और उधर से उन्हें छोड़ दिया गया था। ये लॉ ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ये डिटेंशन था, उस हिसाब से कार्रवाई की गई। पहले जहां इस धरने में ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की जा रही थी, तो वहीं अब पुलिस और पहलवानों के बीच हुए विवाद ने एक और नया विवाद खड़ा कर दिया है। बल्कि इस मामले को लेकर भी राजनीति शुरू हो गई है और विपक्ष ने बीजेपी को घेरना भी शुरू कर दिया है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।